दीगर खबरों के जाने बढ़ते हैं। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अहम पेशरफ्त, अदालती हुक्म पर मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू हो गई है। अदालती कार्रवाई बारे मजीद बताएंगे मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालती हुक्म पर मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई बाकायदा शुरू कर दी गई है। अदालती हुक्म पर मोनिस इलाही से मुतल्लिक मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेदन कर दिए गए हैं और इसके मुताबिक मोनिस इलाही को आज अदालत में पेश होने के लिए मोहलत दी गई है। इश्तिहार में ये कहा गया है कि मोनिस इलाही रूपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे और अगर मोनिस इलाही इस हवाले से आज पेश हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म हो जाएगी। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी है और इस सिलसिले में एफआईए ने मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा करवा रखा है और बार बार अदालत की जानिब से मोनिस इलाही की तलबी के बावजूद मोनिस इलाही पेश नहीं हो रहे, जिसके बाद अदालत ने मोनिस इलाही की तलबी के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है और ये कहा है कि अगर आज मोनिस इलाही पेश हो जाते हैं तो ये कार्रवाई यहीं खत्म हो सकती है और अगर मोनिस इलाही पेश नहीं होते तो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक।